हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल फरगन का शेफ। मैं बाइट ग्रेवी और चावल बना बना के परेशान हो गया हूँ, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लाया हूँ और एकदम छोटी और मज़ेदार, आपको मतलब बना के और खा के बहुत ही मज़ा आएगा। रेसिपी का नाम है कॉर्न सलाद। आज मैं आपको बताऊँगा आप आसानी से अपने घर में, अपने रेस्टोरेंट में कॉर्न सलाद कैसे बनाएं। कॉर्न सलाद बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1 कप अमेरिकन कॉर्न और ये फ्रोजन वाले कॉर्न हैं। इनको मैं उबालूंगा और आपको दिखाऊंगा कि आपने कैसे उबालने। आपने उबलते हुए पानी में कॉर्न डाल देने। एक चीज़ आपको बता दूं, आपने जब भी कॉर्न उबालना है तो घबराना नहीं है कि हमने 4 मिनट उबालना है या 5 मिनट उबालना है। आप आराम से 10 से 12 मिनट उबालें, जितना ज़्यादा आप उबालेंगे उतनी ही ज़्यादा कॉर्न में चमक आएगी। ये देखिए मेरे कॉर्न उबल चुके हैं, अब आपको दिखाता हूँ कितनी बढ़िया चमक आई है। ये देखिए कैसे चमक रहे हैं। ऐसे ही आपने उबाल लें और इनको छान के ठंडा कर लेना। कॉर्न बहुत ही बढ़िया से ठंडे हो चुके हैं, ये देखिए। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि आपने कैसे सलाद बनाना है। आपने लेना है एक डिप बॉल, डिप बॉल के अंदर डाल देना आपने कॉर्न। कॉर्न डालने के बाद आपने डालना ऐसे कटे हुए, ये देखिए इस तरीके के चॉप किए हुए टमाटर, ककुम्बर सेम इसी तरीके से कटी हुई, प्याज। इन तीनों की क्वांटिटी मैंने बराबर लिए, ये सब आधे आधे कप हैं। हरी मिर्च 3 से 4 डालें, अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून बारीक कटे हुए धनिया, ये देखिए 1 लेमन का लेमन जूस, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर लें। 2 टेबल स्पून सलाद ऑयल, 1/2 टीस्पून चाट मसाला। इतनी चीज़ें डालनी है, इससे ज़्यादा ना डालें। उसके बाद आपने इसको ऐसे अच्छे से मिलाना है, ये देखिए ऐसे मिक्स करना है। और कलर देखा ना आपने, कितना शानदार कलर आया, चमक देखिए। ऐसे ही बनाना है आपने, फिर आप एक बार इसको टेस्ट कर लें, मुझे तो मज़ा आ गया। अब ये है तैयार। आप पीकअप अपने पसंद के बर्तन में करा सकते हैं, मेरा फेवरेट बर्तन यही है, मुझे बहुत पसंद है ये प्लेट। आपने डालने ऊपर थोड़े से धनिया के पत्ते, लेमन और ग्रीन चिल्ली। आप चाहें तो यहाँ साइड में भी गार्निश कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद है, लेकिन मुझे ये प्लेट में ना गार्निश करने का मन नहीं होता है, इसमें ऐसे ही अच्छा लगता है। तो एक बहुत ही बेहतरीन शानदार रेसिपी बनके तैयार है आपके सामने। अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।